इन दिनों पूरे प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है, उसी कड़ी में बड़वानी जिले में पुलिस के द्वारा रात में पैदल गश्त लगाई गई, जहां पुलिस को जिले के अलग अलग स्थानों से बड़ी सफलता मिली है। देखिए ये रिपोर्ट। बड़वानी पुलिस को आपराधिक गतिविधियों में जिले भर से अलग अलग स्थानों पर बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बड़वानी जिले में लगातार पुलिस के द्वारा रात में पैदल गश्त की जा रही है, जहां पुलिस लिस्टेड अपराधियों का लेखा जोखा ले रही है, वहीं फरार अपराधियों की भी पकड़ की जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एवं DGP मध्य प्रदेश महोदय के द्वारा भी संपूर्ण प्रदेश स्तर पर समस्त जिला बलों को निर्देशित किया गया है कि वो अपनी पैदल गश्त को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी बनाए, जिसके दो प्रमुख पहलू हैं कि जनता में पुलिस की प्रेजेंस को सुनिश्चित करना और असामाजिक तत्व जो होते हैं वो पुलिस की प्रेजेंस से इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त न हो पाए, इसको सुनिश्चित करना। इसी तारतम्य में लगातार बड़वानी पुलिस के द्वारा न सिर्फ प्रभावी पैदल गश्त का आयोजन किया जा रहा है प्रतिदिन स्तर पर, बल्कि एक इफेक्टिव जनता से संवाद भी स्थापित किया जा रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए कल रात को रात्रि 12 बजे से सुबह 5 बजे तक पाँच घंटे तक एक मिशन मोड पर बड़वानी पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग गश्त का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे समस्त जिला बल के 500 से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे थे। समस्त हमारे जो आला अफसर थे वो भी लगातार इसको फील्ड में रहकर मार्गदर्शन कर रहे थे, और इस 5 घंटे की हमारी कॉम्बिंग गश्त जो बड़वानी पुलिस के द्वारा की गई है, उसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम आए हैं, जहां पर हमने न सिर्फ 250 से ज़्यादा जो लिस्टेड गुंडे और बदमाश होते हैं उनका औचक निरीक्षण किया है, बल्कि सालों से जो फरार वारंटी थे जिनके ऊपर हजारों के इनाम थे, ऐसे कुल 80 के करीब बदमाशों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। वही पुलिस ने अब तक जिला भर में अब तक कुल 79 फरार वारंटियों को हिरासत में ले लिया है। वही बड़वानी जिला पुलिस अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कार्यवाही निरंतर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, बड़वानी।